हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि कुछ वैकेंसीज़ जो हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी और जिसके फॉर्म फिलअप किए गए थे, उनको कैंसिल किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बता रखा है उसकी सारी जानकारी मिल सके और कौन कौन सी पोस्ट जो हैं वो कैंसिल की गई हैं और कौन कौन सा एग्ज़ाम जो है अब कंडक्ट नहीं किया जाएगा उसकी सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है 25/11/2019 को और इसमें बताया गया है कि जो हिमाचल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक फ़ैसला लिया गया था कि को ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट में जो आउटसाइड हिमाचल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका तभी दिया जाएगा अगर उनकी जो स्कूलिंग है वो एचपी बोर्ड से की गई होगी। तो उसकी वजह से जो पोस्ट निकाली गई थी उस डिसीजन के पहले वो कैंसिल कर दी गई हैं। अभी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो हैं, कौन कौन सी पोस्ट जो हैं वो कैंसिल की गई हैं और किन की एडवर्टीजमेंट जो है वो दोबारा निकाली जाएगी। तो इसमें काफ़ी पुरानी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है जो 2018 में जिनकी एडवर्टीजमेंट निकली थी लेकिन उनका एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया है वो भी कैंसिल की गई हैं, और जो भी हाल ही में निकाली गई थी वैकेंसीज उनको भी कैंसिल किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट जो हैं वो कैंसिल की गई हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बताया गया है वैकेंसी वो है एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनर की, और ये जो वैकेंसीज थी वो ये निकाली गई थी 27 जून 2018 को, यानी कि 2018 की ये वैकेंसीज़ हैं जो निकाली गई थी और जिनका एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया था। तो ये एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनर पोस्ट कोड जिसका है 658 एक पोस्ट थी, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी है इसमें आर्टिस्ट की जिसका पोस्ट कोड था 660, उसकी 6 पोस्ट थी, इसको भी कैंसिल किया गया है। माउंटेनियरिंग सुपरवाइज़र 667, इसको भी कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग गाइड 669 पोस्ट कोड है, ये भी कैंसिल। माइनिंग इंस्पेक्टर 676 पोस्ट कोड, लैब टेक्नीशियन 686 पोस्ट कोड। तो ये जो 6 पोस्ट थी इनको कैंसिल किया गया है और ये इनकी एडवर्टीजमेंट जो निकाली गई थी 27 जून 2018 को। तो तब से ये वैकेंसीज़ के फॉर्म फिलअप किए गए थे लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था। तो इसकी एडवर्टीजमेंट जो है दोबारा से रिलीज़ की जाएगी और पिछली जो फॉर्म भरे गए थे उनको कैंसिल किया गया है। अब नेक्स्ट है इसमें स्पेशल एजुकेटर जिसका पोस्ट कोड है 704, पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 705 पोस्ट कोड, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 706 पोस्ट कोड, सीनियर साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट 710 पोस्ट कोड, डाटा एंट्री ऑपरेटर 711 पोस्ट कोड, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन 716 पोस्ट कोड, स्टेनोटाइपिस्ट 717 पोस्ट कोड, असिस्टेंट केमिस्ट 718 पोस्ट कोड, स्टोर कीपर 720, हवलदार इंस्ट्रक्टर 722, लेबोरेटरी असिस्टेंट 725, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 726। तो ये जो मैंने बताया आपको 8 से लेके 18 तक इन पोस्ट कोड की एडवर्टीजमेंट ये निकाली गई थी 19 दिसंबर 2018 को, लेकिन अभी तक इनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो इसको भी कैंसिल किया गया है और दोबारा से इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट होगी इन पोस्ट के लिए वो निकाली जाएगी। नेक्स्ट है इसमें कॉपी होल्डर 733 पोस्ट कोड, लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी 741 पोस्ट कोड और इलेक्ट्रीशियन 744 पोस्ट कोड। ये 3 वैकेंसीज़ की एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी 1/3/2019 को और इनको भी अब कैंसिल किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये सारी पोस्ट कोड जो मैंने बताया इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे इनको कैंसिल किया गया है। अब नए सिरे से जो है इसकी एडवर्टीजमेंट निकाली जाएगी और इन पोस्ट को भरा जाएगा। तो जिन्होंने इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं किया था उनके लिए दोबारा से ये मौका होगा और जिन्होंने फिल किया था उनका कैंसिल किया जा चुका है। तो ये दोबारा से इसके लिए एडवर्टीजमेंट अब निकाली जाएगी, ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आई होप आपको ये जानकारी मिल चुकी है सारी जो भी इस नोटिफिकेशन में बताई गई थी डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।